आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। ठगी के आरोपी गिरफ्तार। कोरिया जिले में कलेक्ट्रेट के नजारत शाखा से करोड़ों की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को कोरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेष फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की जानकारी देते हुए कोरिया एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि 13 अप्रैल को संयुक्त कलेक्टर अनिल सिदार ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 22 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य कलेक्टर कार्यालय कोरिया के नजारत शाखा के अलग अलग राशि के 21 चेकों की क्लोनिंग कर मुंबई स्थित विभिन्न बैंक के ब्रांच में कोर बैंकिंग द्वारा चेक क्लियर कराकर महाराष्ट्र के उल्हास नगर निवासी अतीश सुभाष गायकवाड़ अक्षर वेलियन कंपनी तथा दीवान सिंह पारते निवासी गुड़गांव के खातों में लगभग 1,29,00,000 रुपए कूट रचना कर आहरण कर लिया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पैकुनपुर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया। प्रकरण की विवेचना में एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने आरोपियों के मिलने के संभावित स्थान को देखते हुए 3 टीम गठन किया गया। एसपी के निर्देशन एवं एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में पहले टीम निरीक्षक अश्वनी सिंह एवं उनकी टीम को मुंबई रवाना किया गया। दूसरी टीम उप निरीक्षक सचिन सिंह एवं टीम को दिल्ली के गुड़गांव तथा तीसरी टीम को उप निरीक्षक सौरभ द्विवेदी को बिहार पटना रवाना किया गया। साथ ही बैकुंठपुर मुख्यालय के साइबर टीम द्वारा लगातार तीनों टीम से सामंजस्य स्थापित कर फोन नंबरों एवं खाता का सूक्ष्मता से अवलोकन कर कार्य करते हुए जानकारी दिया जा रहा था। इन सभी के संयुक्त प्रयास से पुलिस टीम मुंबई द्वारा बैंक स्टेटमेंट मोबाइल फोन यूपीआई के माध्यम से रकम हस्तांतरण से खाता धारक आरोपी अतीश सुभाष गायकवाड़ एवं आदित्य नंदू गायकवाड़ तथा तुषार प्रकाश सालवे के द्वारा अपराध घटित करना प्रमाणित पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे लाकर आरोपी अतीश सुभाष गायकवाड़ एवं आदित्य नंदू गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों के बताए अनुसार घटना में प्रयुक्त खाता मोबाइल कूट रचित चेक एवं प्राप्त राशि में खरीदा गया मोटरसाइकिल कीमती 2,50,000 को जब्त कर लिया गया। आरोपियों को 18 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय उल्हास नगर जिला ठाणे महाराष्ट्र से ट्रांजिट रिमांड 21 अप्रैल तक प्राप्त कर जिला कोरिया लाया गया और यहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी तुषार कुमार सालवे तथा मुख्य अन्य दो आरोपी अभी पुलिस टीम के गिरफ्त से बाहर है, जिनकी तलाश बाहर गई दो टीमों द्वारा अभी भी किया